हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक एसी अल्टरनेटर जिनसे सप्लाई देता है इलेक्ट्रिसिटी, वो अल्टरनेटर के साथ हम लोग एक यूनिक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा या नहीं, हम लोग कामयाब हो पाएगा या नहीं, तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए। और आप लोगों को और एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये जो अल्टरनेटर है, ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर टाइप अल्टरनेटर है। और ये ट्रांसफार्मर टाइप अल्टरनेटर डायट टाइप अल्टरनेटर से क्यों बेटर है, ये अल्टरनेटर ख़राब होने से इसको रिपेयर कैसे करिएगा, ये टोटल इन्फॉर्मेशन आज का वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहिए, वीडियो मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों, ये एक ट्रांसफार्मर टाइप SBL मॉडल का 10 kVA सिंगल फेज अल्टरनेटर है। और ये अल्टरनेटर ख़राब हो गया, तो इसको रिपेयर करने के लिए पार्टी हम लोगों को देके गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ पार्टी इंजन नहीं भेजा है, क्योंकि इंजन जो है वो दूसरा किसी चीज़ में यूज़ किया। तो अभी ये अल्टरनेटर बनाने के बाद इसको टेस्ट कैसे करना है, वही हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया है कि कैसे एक अल्टरनेटर को बिना इंजन के टेस्ट किया जा सकता है। तो वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप मिस ना करें। तो पहले बता दूं कि ये जो अल्टरनेटर है 10 kVA ट्रांसफार्मर टाइप अल्टरनेटर है, इसमें क्या क्या रहता है। देखिए, इसमें एक ट्रांसफार्मर रहता है, इसमें एक मेटल डायोड रहता है और एक कंडेंसर रहता है। अभी ये जो अल्टरनेटर है, ये डायट टाइप अल्टरनेटर से बेटर अल्टरनेटर है। इसमें लोड कैपेसिटी जो है ठीक ठाक देता है, डायट टाइप से बेटर देता है और इसका लोड कैपेसिटी घटता नहीं है। अभी इसका जो ये अल्टरनेटर था, ये अल्टरनेटर का क्या खराबी था आप लोगों को बता दूं कि ये जो अल्टरनेटर है, इसका ये जो यहाँ पे डायोड दिख रहा है आप लोगों को, ये डायोड ख़राब हो गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका ये डायोड चेंज किया। अल्टरनेटर लगभग आपका नया ही है, लेकिन इसका डायोड ख़राब हो गया था। और इसका देखिए, ये एक्चुअली स्लीपिंग टाइप कार्बन टाइप ये अल्टरनेटर है, इसमें आपका कार्बन रहता है। ठीक है, और ये 100% कॉपर वाइंडिंग अल्टरनेटर है। तो ये अल्टरनेटर का हम लोग कार्बन चेंज किया और अभी ये अल्टरनेटर ठीक ठाक लाइन दे रहा है या नहीं, आउटपुट निकल रहा है या नहीं, वही चेक करेंगे। लेकिन बिना इंजन के कैसे चेक करेंगे, तो इसीलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया इसी तौर पर। ये एक्सपेरिमेंट के लिए एक जो वोल्ट मीटर लगेगा और एक टेस्टिंग लैंप लगेगा, जो इसका जो वोल्टेज है प्रॉपर वोल्टेज नापने के लिए एक तो वोल्ट मीटर और एक तो टेस्टिंग लैंप लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ये अल्टरनेटर तो हमारा पूरा पूरी तैयार हो गया, रेडी हो गया। अभी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, इसमें आउटपुट निकलेगा या नहीं निकलेगा, सक्सेस होगा या नहीं होगा, आप लोग भी वीडियो के साथ रहिए, देखते रहिए। ओ भाई साहब, तो दोस्तों देखा कि मिशन हमारा जो है एक्सपेरिमेंट का वो फेल्ड हो गया। पता नहीं आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा है, लेकिन ये प्रोसेस से तो आउटपुट निकलना चाहिए। तो चलिए फिर से और एक बार ट्राई करके देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा है। Wow!
फर्स्ट टाइम में कामयाब नहीं हुआ, वो शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से, लेकिन फिर से जब ये ट्राई किया तो ये कामयाब हो गया, मतलब हम लोग सक्सेस हो गया। तो आपके पास अगर डीजल इंजन नहीं है एक अल्टरनेटर टेस्ट करने के लिए, तो किसी भी चीज़, वो शायद आपका मोटरसाइकिल हो सकता है या किसी भी चीज़ जो अल्टरनेटर को घुमा सके, वो होने से आपका जो अल्टरनेटर है वो टेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको ऐसा इंजीनियरिंग एंड मशीनरीज वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।